एक अप्रैल से नाला सफाई हुआ। अब एक जोनल अधिकारी ये बता रहा है कि तो नाला मार्च से ही साफ हो रहा। हमने कहा फाइल फेंका, हमने कहा रखो तुम भाई, हम अप्रैल से हमारे यहाँ सफाई हो रहा, वो आप कह रहे हो मार्च से हो रहा, तो कोई मतलब नहीं ना। अब कि हमने बोल दिया कि अगर बरसात में कोई भी हमारा एरिया, अगर कोई भी इलाका पानी से डूबा तो फिर ठीक नहीं। ये कानपुर की मेयर साहिबा हैं, नाम है प्रमिला पांडे। मेयर साहिबा ने गुस्से में इंजीनियर पर फाइल फेंक दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। मेयर साहिबा के इस गुस्से के पीछे जन कल्याण से जुड़े काम हैं। दरअसल 12 जून 2024 के रोज कानपुर की मेयर मैडम ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग की साझा बैठक बुलाई थी। वो चाहती थी कि बारिश के मौसम से पहले ही शहर के नालों की अच्छे से सफाई हो जाए, जिससे सड़कों पर जल भराव की दिक्कत ना हो। लेकिन मेयर साहिबा ने जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इससे जुड़े अपडेट मांगे तो उन्होंने गोलमटोल जवाब दिया और कहा कि आधा काम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, इसी के चलते उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी। मेयर साहिबा का कहना है कि जब मीटिंग के दौरान उन्होंने नाला सफाई की रिपोर्ट मांगी तो जोन 3 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नानकशन ने गलत रिपोर्ट दे दी, जिसके बाद गुस्से में उन्होंने रिपोर्ट उनके ऊपर फेंक दी। मीटिंग के दौरान मेयर साहिबा ने जोन 1 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा कि म्योर मिल नाला कहाँ है, इंजीनियर साहब बता नहीं पाए। इस पर मेयर मैडम नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि इन्हीं इंजीनियरों की वजह से शहर में जलभराव होता है, इन्हें यही नहीं पता कि म्योर मिल नाला कहाँ है, लेकिन रिपोर्ट में नाला पूरी तरह से साफ हो गया है। मेयर साहिबा ने जब नाले की सफाई के बारे में पूछा तो इंजीनियर बोले कि मई से ही नाले की सफाई का काम चल रहा है, और जब मेयर मैडम ने रिपोर्ट मांगी तो इंजीनियर साहब ने मार्च के महीने की रिपोर्ट दिखा दी। इसी के बाद उन्होंने रिपोर्ट उनके ऊपर फेंकी। चीफ इंजीनियर मनीष अवस्थी ने भी इस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। मेयर साहिबा बोली कि आप मुझे बुद्धू समझते हैं, अगर इस बार बारिश में पानी भरा तो उसी में डुबो देंगे। मेयर ने अधिकारियों से पूछा कि कभी एसी दफ्तर के बाहर निकलते हो, एक भी इंजीनियर धूप में मौके पर जाना जरूरी नहीं समझता, सब दफ्तर में बैठकर नौकरी कर रहे हैं। जोन 2 की समीक्षा के दौरान जब मेयर ने एडिशनल इंजीनियर दिवाकर भास्कर से पूछा कि जाजमऊ वाले नाले का क्या अपडेट है, तो एडिशनल इंजीनियर ने जवाब दिया कि नाला बन गया है। इस पर मेयर ने उन्हें मोबाइल दिखाते हुए कहा कि कल ही वहां से शिकायत आई है, कोई काम नहीं हुआ है। इस पूरे प्रकरण पर मेयर प्रमिला पांडे का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, मीटिंग तो अभी 2.5 महीना सूचना थी, तो कोई बैठक इन लोग साथ हो नहीं पाई। अब सूचना खत्म होते हुए भी तो हमने सबसे पहले मैंने स्वास्थ्य विभाग का भी मीटिंग बुलाया कि स्वास्थ्य हमारे शहर का क्या, स्वास्थ्य वाले नाला किस तरीके से साफ करें, नाली किस तरह करें, गली पीट किस तरीके से साफ, इसकी बैठक किया। तो इन लोगों ने ये बताया कि आधा काम तो हमारा इंजीनियरिंग विभाग से, जैसे गली पीट टूटा है तो वही विभाग बना। तो आज मैंने सामूहिक बैठक की, बैठक में सही जानकारी किसी भी जोनल के पास नहीं था, तो बैठक करने का कोई मतलब नहीं होता। अब बताइए, हमने नगर आयुक्त से कहा था कि इस बार आप नाला सफाई जल्दी करा दीजिए, 1 अप्रैल से नाला सफाई हुआ। अब एक जोनल अधिकारी ये बता रहा है कि तो नाला मार्च से ही साफ हो रहा है। तो हमने कहा फाइल फेंका, हमने कहा रखो तुम भाई, हम अप्रैल से हमारे यहाँ सफाई हो रहा है, वो आप कह रहे हो मार्च से हो रहा, तो कोई मतलब नहीं ना। एक भी हमारे 6 जो अधिकारी थे, हमने कहा भाई आप अपनी फ़ोटो दिखा दो कहाँ नाला सफाई जहाँ हुई मैं गई, एक जन के पास फोटो नहीं, खाली वही अपना बना ले जाए। ये लोग धूप में तो निकलना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते। अब कि हमने बोल दिया कि अगर बरसात में कोई भी हमारा एरिया, अगर कोई भी इलाका पानी से डूबा तो फिर ठीक नहीं होगा। इतने पैसे सरकार के लग रहे हैं तो कुछ तो उसका बेनिफिट होना चाहिए। मेयर साहिबा तो अपनी बात कह देती हैं। अब सवाल ये है कि क्या मेयर साहिबा की इन बातों का अधिकारियों पर कोई असर होगा, क्या बारिश से पहले नालों की सफाई हो जाएगी, या सारा विकास और सारी सफाई बहस कागजों में ही नजर आएगी। आपको इस पर क्या राय है आपकी इस पर, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ली लल्लन टॉप।